हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल पीएस ऑन कैमरा। आज हम लोग पहुंच गए हैं नियर कांडला पोर्ट, बिकॉज पोर्ट विजिट करने का हमारा प्लान है और ये रेलवे क्रॉसिंग पोर्ट एरिया में ही पड़ता है। इस वीडियो में मैं पोर्ट विजिट से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स शेयर करने वाली हूँ एंड आई एम 100% श्योर कि आपको बहुत अच्छा लगेगा वीडियो देखकर, बिकॉज मैंने भी जो सिर्फ ऑन स्क्रीन देखा था वो मुझे सामने से देखने को मिला। इतने बड़े जहाज के ऊपर मैं चढ़ पाई। सो प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल एंड एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि पोर्ट विजिट करने के लिए एंट्री नॉर्थ गेट से ही मिलती है एंड विजिटर पास बनवाना पड़ता है, बिकॉज सिक्योरिटी बहुत टाइट है वहाँ पे। बिना पास बनवाए आप एंटर नहीं कर सकते। अभी हम नॉर्थ गेट के पास पहुँच गए हैं एंड इसके जस्ट बगल में ही ऑफिस है जहाँ से कि पास बनता है एंड वहाँ पे आपको अपनी आईडी प्रूफ की फोटोकॉपी सबमिट करनी होती है, जितने भी मेम्बर्स हैं, इनफैक्ट बच्चों के भी, एज वेल एज आपके व्हीकल के पेपर्स की फोटोकॉपी। अदरवाइज वो आपको अंदर जाने देंगे, आपकी गाड़ी को बाहर ही रख लेंगे एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट इतने बड़े पोर्ट को विदाउट व्हीकल घूमना। नाउ वी हैव फाइनली एंटर्ड इन पोर्ट। कांडला गुजरात स्टेट के कच्छ डिस्ट्रिक्ट में स्थित इंडिया का सबसे बड़ा पोर्ट है। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट से इट इज़ कनेक्टेड विद होल वर्ल्ड एंड 2017 में ऑफिशियली इसका नेम चेंज करके दीनदयाल पोर्ट रख दिया गया। अगर इसकी हिस्ट्री की बात करें तो इंडिया पाकिस्तान के बंटवारे के बाद कंट्री का प्रमुख कराची पोर्ट पाकिस्तान में चला गया, तो उसकी कमी पूरी करने के लिए 1965 में अरेबियन सी के अखत के तट पर कांडला पोर्ट की स्थापना की गई, बिकॉज ये पोर्ट हमारे इंडियन इकोनॉमी को मेंटेन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। कांडला बस इंडिया का नहीं बल्कि एशिया का फर्स्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन एंड फ्री ट्रेड जोन है, जिसकी स्थापना 1965 में हुई थी। और तो और ये इंडिया के सबसे बड़े 12 इम्पॉर्टेंट पोर्ट में से कार्गो हैंडलिंग में सबसे बड़ा है, जहां से कि पेट्रोलियम, केमिकल, आयरन, सॉल्ट, टेक्सटाइल, ग्रेन्स, ये सारी चीज़ें एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होती हैं। दैट्स वाई इट इज़ वन ऑफ द हाइएस्ट अर्निंग पोर्ट इन द कंट्री। आप लोग देख सकते हो कि कितने बड़े बड़े शिप्स यहाँ पे लगे हुए हैं, जहाँ पे कि लोडिंग अनलोडिंग का काम कंटिन्यूस चलता रहता है। एंड फाइनली इस वाले शिप पे हमने ऊपर जाने के लिए परमिशन ले लिया है, बिकॉज स्टेयर्स लगे हुए थे यहाँ पे।
सो अब हम लोग शिप से नीचे उतर रहे हैं बिकॉज बहुत जल्दी ही ये शिप मूव करने वाली है अपने डेस्टिनेशन की ओर. सो इट्स बेटर कि हम शिप से नीचे आ जाएं. मुझे तो बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर इस पोर्ट को घूमकर और ख़ास कर ये जानकर कि ये पोर्ट कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे लिए, हमारी कंट्री के लिए. एंड आप लोग देख सकते हो कि ये पोर्ट कितना बड़ा है. मैंने बाय कार ही ये सारा शूट किया है बिकॉज इट्स रियली वेरी डिफिकल्ट कि विदाउट व्हीकल आप इस प्लेस को घूम पाओ. आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा ये पोर्ट घूमकर. एंड इफ पॉसिबल प्लीज़ मेक प्लान टू विजिट दिस प्लेस. अब हम लोग यहाँ से वापस जा रहे हैं एंड एग्ज़िट के लिए भी सेम ही गेट है जहाँ से हमने एंट्री की थी. इनफैक्ट एग्ज़िट टाइम प्रॉपर कार की चेकिंग भी हुई जस्ट फॉर सिक्योरिटी पर्पस. एंड एट लास्ट आई विल से, अगर आपको वीडियो पसंद आया, इन्फॉर्मेटिव लगा, देन डेफिनेटली हिट द लाइक बटन एज वेल एज सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशन. बाय बाय.